हेलो स्टूडेंट, आज हम सांतत्य में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन, इस ब्रैकेट को कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। जब इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये पूर्णांक बिंदु पर ग्राफ पर पेंसिल को उठाना पड़ता है, ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया। अब देखो महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, जैसे हमारे पास एफ एक्स है, महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, मतलब क्या है कि आंसर क्या आएगा इसका, पूर्णांक में आएगा अगर x का कुछ भी मान भरे। पूर्णांक क्या होगा, अगर पूर्णांक है तो वही आएगा, ठीक है, अगर और कोई संख्या डेसिमल में तो उससे जो कम वाला पूर्णांक है ना वो आता है महत्तम पूर्णांक फलन में। जैसे अगर मेरे पास एक है ना, तो इसका आंसर एक आएगा, और 1.1 है तो भी इसका आंसर एक आएगा, 1.999 है तो भी इसका आंसर एक आएगा, 1.4 है तो इसका आंसर एक आएगा, लेकिन दो होते ही इसका आंसर दो हो जाएगा, दो से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो भी इसका आंसर दो होगा, और 2.999 तक इसका आंसर दो होगा, एक से थोड़ा सा कम होते ही 0.999 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, या तो पूर्णांक का तो सीधा का सीधा आ जाएगा, और कोई डेसिमल में कोई संख्या है तो उससे कम वाला पूर्णांक आएगा। तो देखो क्या है कि महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका मान एक कब आएगा, जब जो एक्स है ना वो एक है या एक से बड़ा है लेकिन दो से छोटा है। ऐसे ही दो कब आएगा, जब एक्स का मान दो है, दो से बड़ा है लेकिन तीन से छोटा है। ऐसे ही हमारे पास आएगा जीरो, जीरो कब आएगा, जब जीरो है, जीरो से बड़ा है लेकिन एक से छोटा है। ऐसे ही इसका मान क्या आएगा, माइनस एक, जब एक्स का मान माइनस एक है, माइनस एक से बड़ा है लेकिन जीरो से छोटा है। ये महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा है, ठीक है। अब हमने समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर करने हैं, तो फलन तो हमारे पास है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, अब जैसे हमारे पास एम कोई पूर्णांक है तो इसका आंसर m खुलेगा, अगर इसमें थोड़ा सा जोड़ दें जैसे 0.1 जोड़ दिया तो m ही रहेगा, और इसमें से थोड़ा सा माइनस कर दें तो इससे कम वाला पूर्णांक, m से कम वाला पूर्णांक होगा m माइनस एक। जैसे थोड़ा सा माइनस किया, जैसे ये दो से थोड़ा सा कम है तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 माइनस 1, मतलब 2 माइनस 0.0001 है तो उसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अगर पूर्णांक है तो सीधा पूर्णांक आ गया, थोड़ा सा जुड़ा तो भी उससे कम वाला पूर्णांक, थोड़ा सा माइनस हुआ है तो उससे एक कम वाला पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं माना C बिलोंग टू Z, ये कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, X बराबर C के लिए सांतत्य की जांच। जी सी निकालते हैं, आएगा सी माइनस सी। अब ये पूर्णांक है तो सीधा ही खुल जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा जीरो। अब निकालते हैं एल एच एल, इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव जी एक्स। अब लिखते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो जी सी माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एक्स की जगह यहाँ रख दिया सी माइनस एच, इसको छोटी ब्रैकेट में रख दिया, इसको महत्तम पूर्णांक फलन में, ठीक है। तो पहले महत्तम पूर्णांक फलन की ब्रैकेट को हल करते हैं। देखो पूर्णांक में से थोड़ी सी धनात्मक राशि माइनस हुई है तो मतलब ये पूर्णांक नहीं है, अब इससे एक कम वाला पूर्णांक हो जाएगा। जैसे ये क्या ना, इसमें से थोड़ा सा माइनस किया तो क्या हो जाएगा, एम माइनस वन हो गया, तो इसमें थोड़ा सा माइनस करेंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो सी माइनस एच, और ये हो जाएगा c माइनस वन, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, पहले लिमिट h टेंस टू जीरो c माइनस एच माइनस सी प्लस वन, सी से c कट गया, h की जगह जीरो रख देंगे तो आंसर आ गया वन। तो यहां से ये सीध हो जाएगा, ये जीरो आ रहा है, ये वन आ रहा है, मतलब क्या है, सतत नहीं है, ठीक है। हम आर एच एल को भी हल कर देते हैं, आर एच एल हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव जी एक्स। अब क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह रख देते हैं c प्लस एच, और यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन में भी रख देते हैं c प्लस एच,
अब C में थोड़ा सा जोड़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा जोड़ा है तो वापस क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो C प्लस एच, तो सीधा C ही खुलेगा ये, ठीक है, थोड़ा सा ही जोड़ा है। अब इसकी जगह जीरो भर देंगे तो क्या आ जाएगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू C नेगेटिव जी एक्स बराबर नहीं है जी सी के, ये दोनों ही बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर c पर सतत नहीं है, क्योंकि c सभी पूर्णांक बिंदुओं को शो कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं इसलिए g x समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फलन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है, इसको चेक करना है तो सबसे पहले मैं फलन लिख देता हूं, फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव, पाई पर चेक करना है तो पहले पाई रख देते हैं तो आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव, साइन पाई का मान होता है जीरो, तो आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस फाइव। अब निकालते हैं LHL, LHL होता है लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ एक्स, अब मैं रखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ पाई माइनस एच, लिमिट x टेंड्स टू जीरो जहाँ जहाँ x है ना उसकी जगह रख देते हैं पाई माइनस एच, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस फाइव, लिमिट एच टेंस टू जीरो पाई माइनस एच होल स्क्वायर, तो इसको ओपन ही कर देते हैं, चलो पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू पाई एच साइन पाई माइनस थीटा, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे में साइन प्लस होता है तो साइन का साइन रहेगा, ये आ जाएगा माइनस साइन एच प्लस फाइव, एच की जगह जीरो रख देते हैं तो आ जाएगा पाई स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, साइन जीरो होता है जीरो, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस फाइव। अब हम नेक्स्ट में निकालते हैं आर एच एल, आर एच एल होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, अब मैं क्या लिख देता हूं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एक्स की जगह रख देते हैं पाई प्लस एच, अब फलन में जहां जहां एक्स है ना उसकी जगह पाई प्लस एच रख देते हैं तो आ जाएगा पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस फाइव, इसको ओपन ही कर देते हैं तो आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस टू पाई एच प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, और साइन पाई प्लस थीटा, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो पहले से ही माइनस है तो आ जाएगा प्लस साइन एच प्लस फाइव, एच की जगह जीरो भर देंगे तो ये तीनों जीरो हो जाएंगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस फाइव। अब मैं लास्ट में लिखता हूँ चूंकि लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस फाइव, अतः फलन x बराबर पाई पर सतत है, ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्न फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए, कोई स्पेसिफिक बिंदु नहीं है लेकिन हमें यह पता है कि साइन फलन और कोसाइन फलन हर जगह सतत होते हैं, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, तथा दो सतत फलनों का योगफल भी क्या होता है, सतत फलन होता है, इसलिए जो फलन होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स वो क्या होगा, सतत फलन। ऐसे इसमें लिखेंगे, यहाँ तक कंप्लीट सेम लिखना है, दो सतत फलनों का अंतर भी सतत फलन होता है इसलिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स क्या होगा, सतत फलन होगा। ऐसे इसके लिए क्या लिख देंगे, दो सतत फलनों का गुणनफल भी क्या होता है, सतत फलन होता है इसलिए साइन एक्स गुना कोस एक्स भी क्या होगा, सतत फलन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोसाइन, कोसाइन को कहते हैं कोस, कोसेकेंट मतलब कोसेक, सेकेंट मीन्स सेक और कोटेंजेंट मीन्स कोट। फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं कोस को करता हूँ, माना एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स,
तथा x इक्वल टू c, जहाँ c क्या है, एक वास्तविक संख्या है, c बिलोंग टू R। हम इसको c के लिए सिद्ध कर देंगे कि सतत फलन है। अगर c के लिए सतत है तो ये कोस जो फलन होगा वो सतत होगा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एफ सी, एफ सी का मान है कोस c। अब है LHL, LHL होगा लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। तो फलन में जहाँ जहाँ x है ना उसकी जगह रख देंगे c माइनस एच, तो आ जाएगा cos c माइनस एच। अब या तो सीधा एच जीरो फिल कर दो तो cos c आ जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला cos a माइनस बी, ये होता है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। अब जहाँ जहाँ एच है उसकी जगह जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस जीरो का मान होता है एक और साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो आ जाएगा ये कोस सी। इसी टाइप से हम आर एच एल निकालेंगे। आर एच एल के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच, ठीक है। अब क्या होगा, जहां जहां हमारे पास x है ना उसकी जगह c प्लस एच रख देंगे तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। h की जगह जीरो रख देंगे तो cos जीरो का मान होता है एक और साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो ये भी आ जाएगा cos c। चूंकि लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ सी इक्वल टू cos c, अतः फलन x बराबर c पर सतत है, ठीक है। इसलिए कोसाइन फलन सर्वत्र सतत है, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए मानते हैं एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स तथा एक्स इक्वल टू सी, जहां सी बिलोंग टू आर। लेकिन इसमें से उन वास्तविक संख्याओं को छोड़ेंगे जिसमें कोसेक अनंत होता है, क्योंकि कोसेक की जो टेबल होती है ना उसमें कोसेक अनंत माइनस अनंत होता है। तो कोसेक जीरो पर होता है पाई टू पाई, तो आ जाएगा सी बिलोंग टू आर माइनस एन पाई, ठीक है। जहाँ एन क्या होगा, बिलोंग टू जेड, मतलब पूर्णांक, ठीक है। पाई दो पाई तीन पाई जीरो माइनस पाई। अब हम निकालेंगे एफ सी, एफ सी का मान आ जाएगा कोसेक सी। अब एल एच एल, एल एच एल होगा लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स। तो जहाँ जहाँ अब हमारे पास x है ना उसकी जगह हम रख देंगे c माइनस एच। अब इसमें फलन में रखते हैं मान इसका, तो फलन में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 cosec c माइनस एच। हम इसको एक बटा साइन लिख देते हैं ताकि हम फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 वन अपॉन साइन सी माइनस एच, तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब जहाँ जहाँ एच है ना उसकी जगह जीरो भर देंगे तो आ जाएगा साइन सी कोस जीरो का मान होता है एक, कोस सी साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो आ जाएगा एक बटे, इसको लिख देते हैं कोसेक सी। अब आर एच एल, आर एच एल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स, तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच। अब फलन में मान रख देते हैं, फलन हमारे पास है कोसेक, तो आ जाएगा कोसेक c प्लस एच। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 वन अपॉन साइन c प्लस एच। अब फॉर्मूला लगा देते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 वन अपॉन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब एच की जगह जीरो भर देते हैं तो आ जाएगा साइन सी गुना कोस जीरो का मान होता है एक प्लस कोस सी साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो आ जाएगा एक बटे साइन सी
और ये आ जाएगा कोसेक सी। तो लास्ट लाइन क्या आएगी, चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ सी और इक्वल टू आ जाएगा कोसेक सी, तो वो क्या हो जाएगा, अतः फलन एक्स बराबर सी पर सतत है, इसलिए कोसेकेंट फलन सतत है। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स तथा यहां माना लिख देंगे तथा एक्स इक्वल टू सी जहां सी बिलोंग टू आर। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, सेक 90 270 इन मान पे क्या होता है, अनंत हो जाता है, तो इसको मैं लिखूंगा मतलब विषम गुणज में, 90 के विषम गुणज में क्या होता है, अनंत होता है, तो इसको मैं लिख देता हूं 2n+1 पाई बटे 2 जहां n बिलोंग टू z। उसके बाद सेम इसी प्रोसीजर से करना है, उसको 1/cos लिख के कर लेना, क्लियर, ठीक है, नोट कर लो। अब हम कोटेंजेंट के लिए करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में मैं पहले लिखता हूं माना एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स तथा एक्स इक्वल टू सी जहां सी बिलोंग टू आर, ठीक है, और ये क्या होता है, कोट 0π 2π इन पर अनंत होता है, तो इसको मैं लिखता हूं आर माइनस एन पाई, क्योंकि ये अपने प्रांत पर ही होते हैं जो सतत फलन होते हैं, और एन बिलोंग टू जेड मतलब पूर्णांक। सबसे पहले निकालते हैं एफ सी, एफ सी का मतलब हो जाएगा कोट सी। अब LHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स, नेक्स्ट लाइन लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच। अब क्या होगा, फलन में ना x की जगह रख देंगे c माइनस एच, तो कोट c माइनस एच। अब ना कोट को लिख देते हैं कोस अपॉन साइन, तो आ जाएगा कोस c माइनस एच अपॉन साइन c माइनस एच। ऊपर तो फॉर्मूला लगाते हैं कोस ए माइनस बी, तो आ जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और नीचे फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए माइनस बी, तो आ जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब एच की जगह जीरो रखते हैं, जब ऊपर जीरो रखेंगे ना तो आ जाएगा कोस सी गुना एक प्लस साइन सी गुना जीरो, और नीचे जीरो रखेंगे तो आ जाएगा साइन सी, कोस जीरो का मान होता है एक और माइनस कोस सी, और साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो आ जाएगा कोस सी अपॉन साइन सी, तो आ जाएगा कोट सी, ठीक है। अब हम लेते हैं RHL, RHL होगा लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स, इसको लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, नेक्स्ट लाइन में होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो जहाँ फलन है ना उसमें एक्स की जगह रख देंगे सी प्लस एच, और नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस सी प्लस एच बटे में साइन सी प्लस एच, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं ऊपर नीचे, अब फॉर्मूला लगाते हैं ऊपर, तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, देखा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और नीचे भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आ जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब जहाँ जहाँ एच है उसकी जगह जीरो भर देते हैं तो आ जाएगा कोस सी कोस एच, जीरो का मान होता है एक माइनस साइन सी साइन जीरो होता है जीरो, या देखा साइन सी कोस जीरो का मान होता है एक प्लस कोस सी और साइन जीरो का मान होता है जीरो, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा कोस सी और नीचे आ जाएगा साइन सी मतलब कोट सी। तो क्या होगा, चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ सी इक्वल टू कोट सी, अतः फलन एक्स बराबर सी पर सतत है, और सी जो है हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं, अतः इसलिए
कोटेंजेंट अपने प्रांत पर सतत है। जो पहले लिखे हैं ना, जिसमें r माइनस टू एन प्लस पाई बटा दो और r माइनस एन पाई लिखा, तो वहां भी ऐसे ही लिखना, अपने प्रांत पर सतत है, क्योंकि इनमें वो बिंदु नहीं लिए गए जिस पे ये अनंत होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी लिख लेना इसको। क्लियर।